अस्सलामुअलैकुम यूवर्ज़, ज्ञानी संत मस्कीन जी, इलम दा पहाड़, मैं उन्होंने इलम दा पहाड़ कहांगा कि इन्ना ज़्यादा नॉलेज है। अज आप कुछ उन्होंने गल्लां दे विचों कुछ नवी चीज़ा सीखांगे। अल्लाह ताला दा, वाहे गुरु दा, मालक दा कानून की है, की होना चाहिए वै, तो ज्ञानी संत मस्कीन जी को सुनने हैं। वट्सअप आंद, इंस्टाग्राम आंद, फेसबुक आंद, फेसबुक से मेरे पेज में लाइक करो, वट्सअप से मैंने मजीद इदा दीडियो सेंड करो। सो आओ वीडियो स्टार्ट करिए। गो। अगले श्लोक विच गुरु नानक देव जी महाराज इन फरमान करते ने, वड़ी वड़ियाई जा वड़ा ना, उसकी वड़ियाई बहुत वड़ी है, बहुत वड़ी है। किस करके? उसका नाम बहुत वड़ा है, उसकी हस्ती बहुत वड़ी है। कई दफा मनुख का नाम बहुत वड़ा हो जाता है, हस्ती बहुत वड़ी नहीं होती, कला बहुत वड़ी नहीं, नाम बहुत वड़ा है, गुण बहुत वड्डे नहीं, नाम बहुत वड्डा है, ताकत बहुत वड्डी नहीं, नाम बहुत वड्डा है, ज्ञान बहुत वड्डा नहीं, नाम बहुत वड्डा है, लेकिन हे प्रभु तेरी वड्याई बहुत वड्डी है, बहुत वड्डी है, इस वास्ते तेरा नाम बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है, तेरी हस्ती बहुत वड्डी है, तेरी वड्याई बहुत वड्डी है, इस वास्ते सही है, ये सच है कि तेरी वड्याई हकीकत देच ही वड़ियाई है। ओ खुशामद नहीं, वधा के गल नहीं आखी गई, घटा के गल नहीं आखी गई। वड़ी वड़ियाई जा सच ने आओ, हे परमात्मा एक तेरी दूजी बहुत वड़ी वड़ियाई है कि तेरा न्याय भी सच ते खड़ा है, तू सच्चा न्याय करता है। अगर मनुख नू ऐसा एहसास हो जाए एक ऐसी अदालत भी है जिथे रिश्वत नहीं चल सकती, जिते सच है, जिसका इंसाफ भी सच्चा है, अगर ऐसा मनुख नू बोध हो जाए तो उस अदालत दे पहदे मुताबक ए जीवे, जमीन दे जितनिया अदालतां ने सब दे बूए बंद करने पैणगे, लोड़ भी नहीं इन्हां ने, क्योंकि ऐसे बंदे नू रब्बी नियम की समझ आ गई, रब्बी कानून की समझ आ गई, ते जिसनू रब्बी कानून की समझ आ गई, रब दे कानून विच ए है कि ना तू किसे नू दुख दे ते ना खुद दुखी हो, क्योंकि दूजे नू दुख देवेगा पलट के दुख वापस आएगा, दूजे नू कलेश देवेगा पलट के कलेश वापस आएगा, दूजे नू तू छलेगा लाजमी तू भी छलिया जाएगा, दूजे नू तू धोखा देगा बच तू भी नहीं सकेगा। ये ते रब दा एक सच्चा न्याय है, ते इस सच्चे न्याय दा जे किसे नू पता चल जाए ते फिर उस नियम की उलंघना नहीं करता, जब उस नियम की उलंघना ही नहीं करता तो फिर संसार दियां सारियां अदालतां दे बूए बंद करने पैणगे, केवल ओही न्यायकारी परमात्मा दा ही बूआ खुला रहेगा। खुला ते हुण भी है, लेकिन इस अदालत दा कोई भय नहीं मनदा, जदकि इस अदालत दे ही नियम काम कर रहे ने। ऐ बंदे तू जो कुछ जगत नू देवेंगा पलट के ओही कुछ तेरी झोली च वापस आवेगा, ये अटल नियम चल रहा है, और इस नू तू अपनी सियाणप नाल अपनी चतुराई नाल तोड़ नहीं सकता, मरोड़ नहीं सकता। वड़ी वड़ियाई जा सच न्याओ, वड़ी वड़ियाई जा नहीं चल थाओ, तेरी बहुत वड़ियाई वड़ी है, अपार महिमा, क्योंकि तेरा टिकाणा वड़ा है, अस्थिर है, नहीं चल है, टिकिया होया है, ते साड़ी हालत ये है जिस आसन हम बैठे केते बैस गया, जिस सिंघासन ते असी बैठे हाँ साथों पहले बाबे फरीद दे कथन अनुसार पता नहीं कितने बैठ चुके ने। एक आलम ने ऐसा आख्या कि एक मनुख जिथे खड़ा है वो लखां मनुखां दी कबरां ते ही खड़ा है, पता नहीं कितने मुरदियां दी खाक, पता नहीं कितने मनुख मिट्टी रिच मिट्टी हो चुके ने, हर बंदा जिथे खड़ा है उत्थे लखां ही बंदियां दी खाक उदे पैरां दे थल्ले है, साडा टिकाणा नहीं चलनी, असी जिथे रहिंदे पया साथों पहले कोई होर रह चुके है, उस तो पहले कोई होर रह चुके है, उस तो पहले कोई होर रह चुके है। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज प्रमाण करदे ने, हे परिपूर्ण परमात्मा चूंके तेरा अस्थान ने चल है, तेरा टिकाणा ने चल है, इस वास्ते तेरी वड्याई ने चल है, वड़ी वड्याई जा नहीं चल थाओ, वड़ी वड़ियाई जाने आलाओ,
जीव की आख रहे ने, जीव की बोल रहे ने, तू सारिया दी जानना, सारिया दी जानना, बल्कि ऐसा भी है कि तू भाषा खामोशी दी भी जानना, कोई अंदरों की बोल रहा है। जरूरी नहीं कि कोई शब्दा नाल की बोल रहा है, कोई जबान नाल की बोल रहा है, बल्कि तू बहुत गहरा जानना है उदे भाव की बोल रहे ने, उदी अंतर आत्मा की बोल रही है। वड़ी वड़ियाई जाने आलाओ, हाथी की चंगाड़ पल पाछे पहुंचे ताएं, चीटी की पुकार पहले ही सुनियत है। तू ऐसे तिखे कन रख रहे हैं कि तू कीटी दी फरियाद पहले सुन लेना, हाथी दी पुकार नालों भी इतने तिखी तेरी स्रोत है, इतने तिखे तेरे कन ने। वड़ी वड़ियाई बुझे सब भाव, तेरी वड़ियाई बहुत वड़ी है, बहुत वड़ी है, तू हर तरह दे भाव नू बुझना है। एदी भावना की है, उसकी भावना की है, उस दे अंदर किन्ना क प्यार है, उस दे अंदर कितनी क श्रद्धा है, तू अंदर दी सारिया दी जानना है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, तू ते सारिया दे घट दी जानना है। भाई गुरदास जी एक थां ते कहंदे ने, अंतर जामी सुन कंपत हूं अंतरगत। हे प्रभु, जद मैं सुनदा कि तू अंदर दी जानन वाला है, हर एक दी अंदर नू तू सूझ बूझ रखना है, ते हर एक दे अंदर तू झात मारदा है, मैं कंब जाना, कमरी छिड़ जांदी है। फिर ते मेरे अंदर जिहड़े फुरने चलदे ने ओ वी तू जानदा होवेगा, ते मनुख दे अंदर जिहड़े विचार ते फुरने चलदे ने ओ बहुते ठीक नहीं आउंदे, माड़े ही होंदे ने, गंदे ही होंदे ने। तो भाई साहब जी कहंदे ने मैनूं कमड़ी छड़ जांदी है कि जद मैं देखदा कि तू ते अंदर दे विचार भी पढ़ लैंदा है। अंतर जामी सुन कंपत हूं अंतरगत, पतत पावन सुन आसरो उरधार हो। पर एक आशा एक ओट लेके आ जाना तेरे दर ते कि तू पतत पावन भी, तू नजर अंदाज भी कर देना है, तू गुनाहां ते पर्दा भी पा देना है, तू ऐसा पुरख है, तू ऐसा सच्चा बख्शिंद है कि जैसे गंदगी दे च लिबड़े हुए बच्चे नू ममता दी मारी हुई मां गलवकड़ी च लै लैंदी है। हे प्रभु, दया तेरा सुभा है, कोई गंदा जीव भी तेरे दर ते पुकार करे ते आवे, तू उनू गलवकड़ी च लै लैना है, तू अपने कोल उसनू थां देना है। तो तू सारिया दे भाव सारिया दी श्रद्धा नू बुझण वाला है। वड़ी वड़ियाई जा पुछ ना दात, तेरी वड़ियाई ए भी बहुत वड़ी है कि जद तू किसे नू कुछ देना है ता दूजे तीजे चौथे पंजवें कोल तैनू पुछण दी लोड़ नहीं, मैं ए दे दिया कि नहीं। कई दफा पिता पुत्रां तो पुछदा है, ए चीज मैं फलाने नू दे दिया कि नहीं। कई दफा पुत्र पुछदे ने, ए दे दईए कि नहीं। राजा अपने महतहत हुक्मराना तो पुछदा है, सलाह मशुरा करता है, ऐ चीज प्रजा नू दे दईए के ना, ऐ वस्तु फलाने नू दे दईए के ना। पुछना मनुखी दुनिया च चलदा है, पति पत्नी तो पुछ के चलदा है, और पत्नी पति नू पुछ लैंदी है कि ए मैं देया के ना देया। हे प्रभु, ए तेरी वड़ियाई बहुत वड्डी अजीम महान है कि तू दात देण लगया किसे कोल सलाह मशवरा नहीं करदा, सिद्धी ही दात तो वंडदा है, आप वंडदा है। वड़ी वड़ियाई जा आप है आप, ए भी तेरी वड़ियाई बहुत वड़ी है कि सब कुछ तू आप ही वंडदा है, आप ही करदा है, ते हर थां ते आप ही आप है, तैथो बिना होर कोई दूजा नहीं, नानक कार न कथनी जाए। हे प्रभु, तेरी जितनी कार है जो तेरे कम ने ओ कथन विच नहीं आउंदे, ओ मैं बयान नहीं कर सकदा कि तू किन्ना क बनाया है, तू किन्नी सिरजना कीती है, ते तू की दे रहे हैं, ते तू किन्ना क वड्डा इंसाफ कर रहे हैं, कितनी वड्डी दात दे रहे हैं। दरअसल हे प्रभु, ए मेरे कथन विच नहीं आउंदे, ए ते मैं बयान नहीं कर सकदा। नानक कार न कथनी जाए, कीता करना सर्व रजाए। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है, सब तेरी रजा दे च है, सब तेरे हुक्म दे च है,
सब तेरे भाणे विच है। इस वास्ते सही मायने दा भगत ओही है जो तेरी रजा नू समझ जाए, जो तेरे भाणे नू समझ जाए। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। वास्तविक भेद उसने जान लिया, वास्तविक भेद राज उसने समझ लिया जिसने तेरे हुक्म नू समझ लिया। ते तेरा हुक्म की है? दरअसल तेरा हुक्म जो कुछ भी होया है, जो कुछ भी कीता जा रहा है, जो कुछ भी बने हैं, ये सब तेरा हुक्म है और तेरी बनावट है और ये सच्ची है। तेरी देन सच्ची, तेरी बनावट सच्ची। इसनू जिहड़ा समझ जांदा है दरअसल सच दे नेड़े हो जांदा है, सच दी नीमतां दा आनंद माणदा है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस दूसरे श्लोक दे फरमान करदे ने, नानक कार न कथनी जाए कीता करना सर्व रजा। दरअसल सब कुछ उसकी रजा दे च है, ते मनुख दा हुण फर्ज हो जांदा है उसकी रजा नू मनना। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना। जो हुक्म नाल लिखिया होया, जो हुक्म हर जीव ते है, भाव जो उसकी देन, जो उसकी बनावट है और जिस ढंग दी है, इनू कबूल कर लेना, उन्हें खिड़े मत्थे तस्लीम कर लेना कि उसकी रजा नू मनना है। ते जिहड़ा उसकी रजा दे च राजी है, दरअसल परमात्मा उस ते राजी हो जाता है, ईश्वर अकाल पुरख उस ते राजी हो जाता है। ते जिस ते ईश्वर राजी हो गया, समझ लो उस ते जहान राजी हो गया। गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब बाद। जे एक सज्जन बन गया है तो सारा संसार सज्जन बन गया। ते जे एक नाल कोई संबंध नहीं तो फिर जगत दे जर्रे जर्रे नाल संबंध टुटिया होया है। ते गलियां दे कख भी फिर जो है वैरी ने। तो जिहड़ा उसकी रजा विच चलदा है, परमात्मा उसते राजी हो जांदा है। ते परमात्मा जिसते राजी हो जांदा है, वह माला माल हो जांदा है, वह खुशहाल हो जांदा है और वह दुनिया का अजीम तरीन मनुख बन जांदा है। अगला श्लोक गुरु अंगद देव जी महाराज का है। अज की वीडियो ज्ञानी संत मस्कीन जी, मैं कहना कि यार ऐसा नॉलेज इन्हां को, ऐसा इलम, इलम का पहाड़ ने बस। इन्हां दियां गल्लां ऐसी गहराई दे विच जाए गल्लां करदे ने कि जिहदा कोई हिसाब ही कोई नहीं गा। रब दा कानून दसन दे सीगे कि अल्लाह ताला वाहिगुरू दा कानून की है। बाबा फरीद जी ने, बाबा फरीद जी को किसे ने सवाल किया, गल बड़ी ध्यान नाल सुनियो। सवाल यह किया वै कि अल्लाह ताला वाहिगुरू दे कोल केड़ी एक चीज़ नहीं है। मतलब एक शह ऐसी है जिहड़ी वाहिगुरु अल्लाह ताला दे कोल नहीं है। तो बाबा फरीद जी ने जवाब दिता, एक चीज़ नहीं है, कई चीज़ा ऐसा है जिहड़ियां अल्लाह ताला वाहिगुरु दे कोल है ही कोई नहीं है। बाबा फरीद जी ने कहा एक शह नहीं, कई चीज़ा इस तरह दियां जिहड़ियां अल्लाह ताला वाहिगुरु दे कोल नहीं है। वो बड़ा हैरान होया, मैं तो एक चीज़ पूछी है तो बाबा फरीद जी ने तो मैनू कई चीज़ा अगों तक जिहड़ियां मतलब कि अगों मैनू दसणगे। तो बाबा फरीद जी ने जवाब दिता वै अल्लाह ताला कोल धोखा नहीं है, अल्लाह ताला कोल फरेब नहीं है, अल्लाह ताला किसी ना ना इंसाफी नहीं करता। एक इस सिस्टम, यह सारा कानून, ये अल्लाह ताला दा। तुसीं मैनूं आप दसो, कभी किसी ने सोचा होवे, कभी किसी ने वेख्या होवे सूरज एक सैकेंड लेट हो गया वै, कभी किसी ने वेख्या होवे सूरज ने कहा वै कि इधर गर्मी है तो चलो मैं जैन हो इन्ना। कभी वेख्या होवे कि चंद कभी इधर नूं होया होवे, मतलब कि अपने टाइम तो कभी इधर उधर होया होवे, नहीं, ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह का, ये अल्लाह का सिस्टम है। इत्थे एक पत्ता भी उसकी मर्जी तो नहीं हिल सकता। तो यह किस तरह हो सकता वै, असी किसी के नाल जुलम करिए, असी किसी दी चुगलखोरियां करिए, असी किसी के बारे बुरा भला सोचिए करिए, तो सानू उदा वापसी, वो सानू उदा मतलब कि इत्थे न्याय ना होवे। हर चीज़ है, ये अल्लाह ताला दा कानून है। असी एक दफा दिली तौर उत्ते अल्लाह ताला वाहिगुरु दे उत्ते डोरी सुट के वेखिए, असी अल्लाह ताला वाहिगुरु दे गिले शिकवे करना शुरू कर दिंदे हैं। अल्लाह तेरा एक मौजूदा कानून, मौजूदा सिस्टम नहीं है जिहदे च बंदे नूं इंसाफ मिल गया तो मिल गया, नहीं तो फिर बंदा मर गया। ओ भाई भाई, ये अल्लाह ताला वाहिगुरु दा एक सिस्टम है। जो सानू उस सिस्टम की समझ आ जाए ना कि इत्थे कोई किसी के नाल कोई रत्ती बराबर भी कोई बेइंसाफी नहीं कर सकता, ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह ताला का वाहेगुरु का सिस्टम है। जो सानू इस सिस्टम की समझ आ जाए ना तो फिर असी उदा हर मुसीबत हर काम असी अल्लाह ताला वाहेगुरु का शुक्र अदा करा कि या अल्लाह ये भी तेरा ही शुक्र है,
ਇਹ ਵੀ ਜੋਤ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਦਿਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਐਸੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।